आंदे आंदे कर दे ये देख दे हाथ भी चले हाँ ठीक है बेटा राम राम दीदी ये फिर अगले दिन सुबह की है और यहाँ से हम वापस आ रहे हैं। बहन के यहाँ गए थे कल शाम को और ये अगली सुबह को हम वापिस आ गए थे। तो बस यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, जज्जर पहुँच चुके हैं, बस सब घर पहुँच जाएंगे। और हम सुबह ही उठते ही वापिस आ गए थे, रुके नहीं थे, बस चाय वाय पी थी और वापिस आ गए थे। तो बस अभी घर पहुँचने वाले हैं, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बारिश का ही हो रखा था आज भी, और कई दिन से बारिश का ही हो रखा और हर जगह ही हो रखा। तो यहाँ भी सुबह सुबह मौसम बहुत बढ़िया हो रखा था। और यहाँ पे बजे होंगे सुबह के करीब 8 के करीब का टाइम हुआ होगा। और बस जल्दी ही आ गए थे हम, उठे और बस चाय वाय पी, नाश्ता भी नहीं किया था, जल्दी ही आ गए थे। खाना पीना घर आके ही खाया था। और बस यहाँ पर हम गाँव में आ चुके हैं, ये हमारे गांव की ही रोड आ गई है। और बस सभी हम घर पहुँच, यहाँ पर मम्मी भून रही है बेसन और मम्मी बनाएंगी बेसन के लड्डू। तो कुछ तो ये भून लिया जो प्रतिम डाल दिया, और कुछ और भून रही हैं। और मौसम हो रहा बारिश का, दो बार तो आ चुकी है हल्की हल्की, और अभी बरसात का हो रहा है। तो यहाँ पर भून रही मम्मी बेसन, फिर बनाएंगी लड्डू। देखो बरसात का मौसम हो रहा है, दो तीन बार तो आ चुकी हल्की हल्की, और अभी तो रुकी हुई है, बूंदे तो नहीं आ रही, पर मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। बाबा आ जाओ, मैंने ऊपर भर लिया आपके लिए। बाबा आ जाओ, और यहाँ पे खांड डालनी है चाय? बेसन में इधर चाय कितनी डालनी इसमें, चाय पी लो। रुक रुक बस बस, चाय बन गई, आ जा उधर है। और अब इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, सही है क्या, फिर वो डाल लेंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी गुड। यहाँ पे मम्मी घी डाल रही हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगी। और यहाँ पे बन रहे थे भाई बेसन के लड्डू, भाई के लिए और भाभी के लिए बनाए थे, बाकली के अगले दिन बनाए थे, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये बने थे बेसन के, तो यहाँ मम्मी इसमें घी डाल रही है और फिर अच्छे से कर लेंगी मिक्स, और फिर उसके बाद बनेंगे लड्डू। पहले बेसन को अच्छे से भून लिया और छान लिया, फिर उसके बाद खांड डाल दी, और अब घी डालना है
और अभी से अच्छे से कर लेंगे मिक्स, फिर उसके बाद बनाएंगे हम लड्डू। यहाँ पे फिर लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए थे, मम्मी और मैं दोनों लोग बना रहे थे कि जल्दी बन जाए, और बारिश भी आ रही थी पीछे से, हल्की हल्की बारिश भी लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे तेज़ बारिश आ गई थी और मैं थोड़ी देर में पीछे से थोड़ा सा गिल्ला भी हो गई थी पछाड़ की छींटे लग लग के, और यहाँ पे हमने बना लिए थे फिर फटाफट से लड्डू। दूसरी देऊं क्या? ये फिर शाम का टाइम, यहाँ पे लड्डू लड्डू बन गए थे हमारे और चाय वाय भी पी ली थी हमने, फिर उसके बाद फिर और काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। ये आज पूरे शाम तक ऐसे मौसम रहा सोए जब तक, कभी आ रही कभी जा रही, और यहाँ पे हो रही है भाई खूब तेज़ से बारिश। आज बनाएंगे हम पाव भाजी की सब्ज़ी, तो यहाँ पे प्याज और टमाटर भून रहे हैं, और ये सब्ज़ी उबाल के रखी हुई है, गाजर मटर और आलू, इधर चाय रखी हुई है, चाय पकड़ी है, वो बाहर बारिश पड़ रही है अभी, और ये वाला पाव भाजी का मसाला लेकर आए हैं, पाव भी आ गए हैं, तो अभी बना लेते हैं हम पाव भाजी की सब्ज़ी। यहाँ पे सब्जी बन गई है, और ये देखो बारिश में बाहर आ रहा है अपनी माँ के पास, मैं पानी पीने आया हूँ रसोई में, ऐसी स्वेटर निकल गई मैं बेटा की, दोबारा से ठंड हो गई है, और यहाँ पे सब्जी बन गई है, और इसे ढक देते हैं, पाव थोड़ी देर में सेकेंगे तब खाएंगे, और कलर बहुत अच्छा आ रहा है सब्जी का, लेकिन भाई फोन में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ लाइट भी कम है, और मैंने फोन की फ्लैश ऑन करी तो उससे अजीब सा कलर है। हाँ दूध गर्म हो गया, और अभी पी लेती हूँ मैं चाय, ऊपर रख दी मम्मी ने चाय, ये रखी भाई मेरी चाय, अभी ले लेती हूँ मैं चाय, उधर पापा और चाचा और बैठे हैं चाय पी रहे हैं, और हुक्का भी चल रहा है, और बरसात भी हो रही है, भूमि की सारी गाड़ियाँ भी बारिश में नहा रही हैं।